and congratulations. Thank you very much. So ma'am, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. जब आप इस हॉस्पिटल में आए तो मैम कैसा था आपका हॉस्पिटल के साथ एंड कैसा एक्सपीरियंस आपने गेन किया यहाँ पे? मेरा स्टार्ट हुआ था डॉक्टर आरती के साथ, डॉक्टर आरती गुप्ता जो गाइनी है. डे वन से मेरा उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है. मतलब एक बहुत अच्छा टच देती हैं वो, और ट्रीटमेंट तो लगता ही नहीं है कि वो डॉक्टर है, ठीक है. और पहले दिन से ही मेरा बहुत अच्छा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग रही है, चाहे वो पर्सनल बातें हों या वो प्रोफेशनल बातें हों. तो और लास्ट तक जब तक मैं गई हूँ डिलीवरी टाइम तक, तब तक मेरा बहुत अच्छा रहा है. लास्ट में थोड़ा सा ये हो गया था कि मेरा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बट डॉक्टर आरती ने इतने अच्छे से संभाला उसे कि मैं कि उसका आंसर मेरे पास है ही नहीं. मतलब नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बेबी ने अंदर ही मोशन पास कर लिया था, तो सब लोग बहुत घबरा गए थे, बट उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया. और एक स्पेशल थैंक्स टू सिस्टर अंजू, उनके लिए मतलब एक मदर के जैसा ट्रीटमेंट दिया उन्होंने मुझे वहाँ पे. सो वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर आरती एंड सिस्टर अंजू. ओके, सो मैम यहाँ जब आप आए और ट्रीटमेंट के बाद इस हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की, तो कैसा था यहाँ पे स्टाफ एंड जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे, सो कैसा रहा उनके साथ? हाँ सर, वेरी गुड. ओके, सो मैम चाहते हैं कि और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए यहाँ पे? इम्प्रूवमेंट के लिए सब कुछ खास है नहीं, सब कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिंग है सब कुछ. बस थोड़ा सा ये हाउसकीपिंग वाला जो स्टाफ है ये थोड़ा सा ना डामाडोल है, बाकी तो गुड. ओके, एंड मैम डॉक्टर दीपा के अंदर भी आपका बेबी का ट्रीटमेंट हुआ है, सो कैसा था उनके साथ आपका? डॉक्टर दीपा इज गुड डॉक्टर, बहुत अच्छी है वो. ओके, सो मैम थैंक यू सो मच. Thank you.